सेठानी, अरे मका सेठानी है के? हाँ, के बात है? अरे बात के है, मैं न्यू कहूँ था के छोरी के ब्याह के थोड़े ही दिन रह गए। फिर के करूँ? अरे तू के करेगी भगवान, मैं न्यू कहूँ था कि उसे बहू को कह दे भात की भेली लेके अपने घर वहाँ जूनागढ़ में चली जागी, भात न्योतावेगी। ठीक है, अच्छा कह के आ रही हूँ, अभी भेज रही हूँ। ठीक है, मैं भी पंडित जी को बुला रहा हूँ भात की चिट्ठी लखवाण खातर। हरनंदी, ए बहू हरनंदी, एक कहाँ मरगी सुने के? हाँ, के बात है माँ जी? मेरी बात सुन ले। सुन हरनंदी, जूनागढ़ जाते भेली नोती
पंडित जी बैठो। हाँ सेठ जी, बताओ ऐसा के काम से जो सुबह ही सुबह मुझे अपने घर बुलाया। छोरी का ब्याह आ रहा घर में और हरनंदी भात की भेली लेके जावे है। भेली लेके जावे तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, पर मैं न्यू कहूँ था कि भात की चिट्ठी लिख देते पंडित जी। हाँ ठीक है, ले आओ कलम दवात और बताओ केक के लिखवाना है। पंडित जी बात की चिट्ठी लिख दो हमारी और लेके कलम दवात हाथ में, लेके कलम दवात हाथ में कर लो पूर्ण तैयारी। बात की चिट्ठी लिखे तो हमारी एजी बात की चिट्ठी लिखे तो हमारी। सिद्धनारायण लिखो गंगा जमुना करे सहाय, श्री सिद्धनारायण लिखो गंगा जमुना करे सहाय। त्रिवेणी की धारा लिखो सेठ सबर से उसमें नहाए, सिरसागढ़ से जूनागढ़ को चिट्ठी एक दियो बनाए। नरसिंह जी को मरसामल की पहले राम राम लिखो छोटे और बजा को यथा योग प्रणाम। लिखो सुबस बसियो जूनागढ़ गंगा जैसा धाम। लिखो मैं जाने दुनिया सारी भात की चिट्ठी लिखे दो हमारी एजी भात की चिट्ठी लिखे दो हमारी। जैसा ब्याह करया था तुमने वैसा भरना होगा भात, जैसा ब्याह करया था तुमने वैसा भरना होगा भात। टेसु पश्मीने की तीड़ 1000 ल्याना साथ, बोरी 2 सोने के नाई ब्राह्मणों को करे खरात। हरनंदी बेटी की तीड़ का भी तुमको करना ध्यान, सासू और ननद का भी आके तुम्हें करना मान। दोरानी जेठानी अगड़ पड़ोसन पण तानी नान। जेवर की हो कई पिटारी भात की चिट्ठी लिखे दो हमारी एजी भात की चिट्ठी लिखे दो हमारी। दखनी चीर सभी का ल्याणा साल दूसरा ले कई हजार, दखनी चीर सभी का ल्याणा साल दूसरा ले कई हजार। रतन जड़ाऊ 1 सोने का हरनंदी को ल्याणा हार, तेरे जैसा इस दुनिया में और नहीं साहूकार। बरी का सामान सारा एक एक साथ ल्याणा होगा, न्यारा न्यारा घर के ने सभी को दिखाना होगा। जो मौके पे आए नहीं तो भारी पछताना होगा। जो
करेगी दुनिया सारी बात की, चिट्ठी लिख दो हमारी, ए जी बात की चिट्ठी लिख दो हमारी। सोने चांदी की दो पटरे का काम कर, दो ईट सोने चांदी की दो पटरे का काम कर, अच्छे रिश्तेदार वे ही समय पे जो नाम कर, इसलिए हाजिर तुम पे भात का पैगाम कर। स्वर्गवासी रघुनाथ गुरु का ईसा भी मैं आना होगा, अलबेले सारे चेलों का आनंद के मैं गाना होगा, मंगल सिंह आके नेग भात का चुकाना होगा। मोहर असर भी न्यारी भात की, चिट्ठी लिख दो हमारी, ए जी भात की चिट्ठी लिख दो हमारी। लेके कलम दबात हाथ में, लेके कलम दबात हाथ में, कर लो पूरण प्यारी भात की, चिट्ठी लिख दो हमारी, ए जी भात की चिट्ठी लिख दो हमारी। ये लो सेठ जी, लिखी गई थारी चिट्ठी। पर सेठ जी न्यू तो बताओ, ये जितना सामान चिट्ठी में लिखवा दिया, इतना के किसी पे दिया जा करे? अरे पंडित जी, तुझे पता ना, वो सेठ है जूनागढ़ का, अपनी छोरी के ब्याह में तब पूरी मरोड़ दिखाई थी उसने मुझे, उसकी मरोड़ ही तो देखनी, बहुत बड़ा सेठ कही है वो। ठीक है सेठ जी, थारी बात को तम जानो, तम उसकी मरोड़ झाड़ो या वो थारी मरोड़ झाड़े, मुझे तो तमने जो कहा वो ही लिख दिया। ठीक है पंडित जी, यो लो अपना चिट्ठी लिखने का नेग। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूं। हरनंदी, ओ बहु हरनंदी, ओ तू अब लो भी तैयार ना हुई, ए बोली ना, के बात है? माँ जी, बात के है, मेरा तो कोई सगा भाई भी नहीं है, और मुझ दुखिया की तो माँ भी पहले ही मर चुकी है, मेरे बाप के पास कुछ भी तो नहीं है भात में देने को, अब तुम ही बताओ मैं भात की भेली लेके किसके जाऊं? किसके भात नोत के आऊं, मेरे नहीं सगा कोई वीर, हाय माता मेरी मर गिरी, मेरे बाबुल हुए फकीर, किसके भात नोत के आऊं, नहीं सगा कोई वीर, माता हमें
सेठानी, अरे मैं कहा सुने कि ना, या तो भात की चिट्ठी में लिखवा लाया पंडित जी पे, जा दे दे हरनंदी को, चली जाएगी भात नहीं उतने। दे किसे दूं? उनने तो कति टाल कर दी जान की। टाल कर दी? अरे टाल कर दी तो कोई बात ना, चिट्ठी तो भेजनी है, चिट्ठी तो मैं नाई को बुलवा के उसके हाथ भेज दूंगा। ठीक है, ऐसा ही करो। और के सुल्लण, अरे ओ सुल्लण है के? हाँ, कौन है? ओहो सेठ जी, तुम आओ, आ जाओ सेठ जी। क्यों कर आए? अरे आए के तू न्यू कर, मारिया बात की चिट्ठी लेके जूनागढ़ के सेठ नरसी के यहाँ चला जा और कह दिए कि भात लेके टाइम पे जरूर आ जा।
ठीक है सेठ जी, जरूर ले जाऊंगा। महारा नाइयों का काम ही के हो, लगन ब्याह की चिट्ठी, भात की चिट्ठी पहुंचाना, इससे सेठ जी मारा खर्चा पानी भी चल जा। अरे हाँ, ये ले 20 रुपए तेरे खर्चे पानी के, और नेक जोग तेरा बाद में निपटा देंगे सब। अच्छा सेठ जी, बस अभी मैं नहा धो के एकदम समझ लो चल दिया, तुम बेफिक्र रहो, तड़के जूनागढ़ में ही पहुंच लूंगा। तो मैं चलूं क्या सुल्लन? हाँ ठीक है सेठ जी, राम राम सेठ जी। राम राम भैया। अरे भाइयों, मुझे जूनागढ़ के सेठ नरसी जी के यहाँ जाना है, कहाँ रहते हैं वो? जूनागढ़ के सेठ नरसी? अरे भैया, वो अब सेठ कहाँ है? सेठ कभी थे। अरे भैया, क्या कह रहे हो तुम? हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, उनसे बड़ा कंगाल तो अब जूनागढ़ में दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा भैया, फिर भी ये तो बताओ वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तू यूं कर, सीधा इस रास्ते को चला जा, और गांव से बाहर दाएं हाथ पे तुझे एक झोपड़ी सी दिखाई देगी, वहां पे 2-4 मोढ़ों के साथ नरसी तुझे मिलेगा। अच्छा भैया ठीक है। भाइयों, सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। राम राम, राम, राम भैया, राम राम, राम, राम। आजा भाई। आ तो गए, पर मुझे तो भैया नरसी सेठ जी से मिलना है। हाँ भैया, सेठ तो नहीं, अब तो नरसी केवल नरसी भगत बन के रह गया है। क्या काम है भैया? मुझे ही नरसी भगत कहते हैं। मैं नरसी जी, थारी छोरी हरनंदी की ससुराल सिरसागढ़ से आया हूँ। सिरसागढ़ से? सिरसागढ़ से आए हो? भैया हमारी हरनंदी के यहाँ भी सब ठीक ठाक हैं? हाँ नरसी जी, वहाँ सब ठीक ठाक हैं। मुझे हरनंदी के ससुर सेठ मनसामल ने ही भात की चिट्ठी लेके तुम्हारे पास भेजा है। भात की चिट्ठी? चिट्ठी लेके कासिद आ गया, विदा करण ने माल नहीं, अरे रोटी तका थोड़ा से मेरे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके कासिद आ गया, विदा करण ने माल नहीं, रोटी तका थोड़ा से मेरे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके कासिद आ गया। चार घरों से मुंडिया बाई भिक्षा करके लियाती है, दो मेरी और दो अपनी वा रोटी तैयार बनाती है, मेरे हिस्से की मुझको देके फिर पछे से खाती है, रे कभी कभी तो भूख प्यास में न्यू ही समय कट जाती है। सच पूछे तो तेरे आगे, सच पूछे तो इस दुनिया में कोई मुझ जैसा कंगाल नहीं। रोटी तका थोड़ा से मारे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके कासिद आ गया।
कैसे तुम्हें खिलाऊं भोजन, मेरे पैसा तक भी पास नहीं। दो चुकती चूने उधारा मिल जा या भी दिखे आस नहीं। मुंडिया बाई कर भिक्षा लिया दे, यो पे मुझे विश्वास नहीं। हम खपर के खाने आले, मार थाली और गिलास नहीं। केरा नेग नियम टावण में, केरा नेग नियम टावण ने, नया लोटा और थाल नहीं। रोटी तका थोड़ा से भरे, घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके काशी दे आ गया, बैठो यहीं पे काशिद। मैं जंगल को जाता हूँ तेरे लिए कुछ अपने मन में कोई मताऊ पाता हूँ। श्री कृष्ण का भगत हूँ सच्चा, अन्न दिया उन्हीं का खाता हूँ। बथुआ तोड़ उबाल कह लाऊ, अभी मैं तुम्हें जिमाता हूँ। भाई सच्ची बात तेरे आगे, सच्ची बातें तेरे आगे है, इसमें कोई मेरी चाल नहीं। रोटी तका थोड़ा से मेरे, घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके काशी दिया जा, कहाँ गए हैं खाना लेने के लिए नरसी जी? कितनी देर में आएंगे? भूख भी तो बहुत लग रही है। अरे भैया, लो भैया, तुम्हारे लिए नरसी जी ने भोजन भेजा है, चलो भोजन कर लो। ठीक है भैया, लाओ। ये लो भैया अपनी थाली और लोटा, भोजन में तो स्वाद ही आ गया भैया। ये थाली और लोटा भी तुम साथ ही ले जाओ भाई। परंतु ये तो भैया सोने के हैं। हाँ भैया, सोने के हैं। नरसी जी ने ये बर्तन तुम्हें विदा में देने के लिए कहा है। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। अरे भैया, वो जो नाई आया था कहाँ है? नरसी जी, तुम्ही ने तो भेजा था भोजन लेके किसी को, उसने आके उसे भोजन भी जिमा दिया और विदा में वो सोने के बर्तन भी उसे दे दिए। सोने के बर्तन कौन होगा? पता नहीं, सब कृष्ण भगवान की कृपा है। सेठ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आजा सुल्लण, दे आया भात की चिट्ठी? हाँ सेठ जी, दे आया। भाई सुल्लण, तू न्यू बता, तुझे किसी ने पानी वाणी व रोटी टुक्की भी बूझी अकना? के बूझोगे सेठ जी, इतना स्वाद भोजन खुआया कि आज से पहले इतना स्वाद भोजन मन ने तो कभी नहीं खाया। और विदा में भी ये सोने की थाली और लोटा दिए हैं। सोने के थाली और लोटा?
क्यों यार नरसी भगत, गुमसुम कैसे बैठे हो? आज इतनी उदासी क्यों है? उदास के यार, सूरदास जी तुझे तो सारा पता ही है, बेटी हरनंदी के यहाँ ब्याह आ गया है। भात में जाने की सोच रहा था पर ढंग सा ही ना दिखता जान का। क्यों भाई, ढंग सा क्यों ना दिखता, इसी के बात होगी? बात के यार, वे जो मेरे छह भाई हैं सारों ने कती हाथ ठा दिए। न्यू बोले, भाई हम नहीं जाने के तेरी गैर। और ताना मार के न्यू और कहन लगे, अग धोरे तो फूटी कोडी भी ना, और भात में जान का सांग भरता फिरे। ठीक ही कह रहे भाई, दिखे जिसका काम बिगड़ जाना उसे सब इसी ढाल के नाम धरन लगे हैं भाई। पर तू चिंता क्यों करे, मैं तो तेरे साथ हूँ, म्हारी तेरी तो बचपन की यारी है। तू चिंता मत ना करे, एक बुढ़ा सा बैल तो मेरे धोरे है, और एक और किसी का मांग लेंगे, और टूटी सी गाड़ी भी मेरे पास हैगी, और जोड़ के गाड़ी बैठा के जो तेरे म्हारे साथी हैं, और मुंडिया बाई को भी साथ ले लेंगे, बस टाइम पे पहुंच लेंगे, तू चिंता ना करे। और बैल तो लेन में अपने पलटू यार के धोरे बस अभी जा रहा हूं। देख ले भैया, बन जा कोई जुगाड़ सा तो। जुगाड़? जुगाड़ तो जरूर बनेगा, जब हम पलटू को आधी रात को मना नहीं करते तो म्हारी खातर कैसे मना कर देगा। मैं अभी जा रहा हूं। ठीक है भाई। पलटू, अरे ओ पलटू, अरे कहां बढ़ रहा है? अरे कौन है भाई? ओहो सूरदास जी, तम आओ बैठो, कैसे आना हुआ? अरे भैया आना के, ये जो तेरे धोरे बैल है ना, हमें यो तेरा बैल चाहिए 4-5 दिन को। अरे सूरदास जी, 4-5 दिन को के, तेरा जी चाहा तो 1 महीने को ले जा, तेरे लिए कोई टाल है? आधी रात को भी टाल ना। और एक बात और है पलटू, तेरी गाड़ी भी चाहिएगी। गाड़ी की बात तो न्यू है, मैं टाल तो करता नहीं, पर गाड़ी बेकार सी हो रही, चलती बार चैड़मैड़ सी करे है। अरे कोई बात ना, सहज सहज कर लेंगे भाई काम। ठीक है तो भाई, कोई बात ना, जब तेरी समझ में आवे ले जाइए। जब के बस तू न्यू कर, हमारा बैल भी खोल लिया और गाड़ी को भी जोड़ ही दे बस। एक टूटी सी गाड़ी ले ली और दोहारे से बैल लिए, नरसी जी चले भात भरण में मोढ़े मिंतर गए लिए। एक टूटी सी गाड़ी ले ली दोहारे से बैल लिए, नरसी जी चले भात भरण में मोढ़े मिंतर गए लिए। नरसी जी चले भात भरण ने मोढ़े मिंतर गए लिए। रास्ते में गाड़ी बिगड़ जाती है, सोचने लगते हैं कब क्या होगा, तरह तरह की चिंताओं का जमघट उनके हृदय पर छा जाता है। मेहरबानो तभी भगवान कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण भगवान ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ भैया, हुआ क्या, ये गाड़ी खराब हो गई और समय पर अगर हम सिरसागढ़ नहीं पहुंचे तो बड़ी बदनामी हो। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि गाड़ी मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन संग में मुझे भी ले चलना होगा। ठीक है ले चलेंगे भैया, गाड़ी ठीक कर देते हैं अपनी माया से कृष्ण भगवान, और खुद रथवान बनकर गाड़ी को हाँक कर ले चलते हैं। सिरसागढ़ के गोरे में जब पहुंचते हैं, वहां जाकर के नरसी जी से कहते हैं, अच्छा भैया हमें तो यहीं तक आना था। अंतर ध्यान हो जाते हैं वहां से और नरसी जी सिरसागढ़ में प्रवेश करते हैं। ए माई, अरियो घास वाली माई। हाँ बेटा, मुझे ही कह रहे हो? हाँ हाँ तुझे ही तो कह रहे हैं। तू न्यू बता, तू सिरसागढ़ में ही रह वे के? हाँ बेटा सिरसागढ़ में ही रहूं, बता के बात है? अरे हम तो न्यू बुझे थे, तू उस सेठ मनसामल को भी जाने है के? सेठ मनसामल?
मणसामल को कौन ना जानता बेटा, उसे तो सिरसागढ़ में बच्चा बच्चा जाने हैं। वो तो बहुत ऊंचा सेठ है और उसके तो आज अगजने तड़के छोरी का ब्याह भी है। पर हाँ, तुम न्यू तो बताओ कि तुम कौन हो भैया, कहाँ तुम रहो हो, यहाँ किस कारण से आए हो और काम धाम तुम के करा करो हो। काम धाम और ले एक तारा भजन करूं, नरसी भगत नाम मेरा, गुजरात प्रांत का रहने आला, जूनागढ़ है गांव मेरा, ले एक तारा भजन करूं। था दुनिया में व्यापार मेरा, मेरी हुंडी नामी थी, किसी चीज की कमी नहीं ना कोई खामी थी, और नहीं औलाद एक ली बेटी जामी थी, श्री कृष्ण का भगत आत्मा इस पे थामी थी, भात भरण ने आया सूं, भात भरण ने आया सूं, सुन बुढ़िया प्रोग्राम मेरा, गुजरात प्रांत का रहने आला, जूनागढ़ है गांव मेरा, जूनागढ़ है गांव मेरा। कोई करनी मेरी बिगड़ गई, जन सर पे आगे खोटे, धन माया छूटे महल अटारी, दुख सुख तन पे ओटे, कदे कदे मेरे काम काज के जेकर थे जग में मोटे, मैं निर्धन धनवान घनेरे, छह भाई मेरे छोटे, नाना धोना भजन बंदगी, नाना धोना भजन बंदगी, काम यही सुबह शाम मेरा, गुजरात प्रांत का रहने आला, जूनागढ़ है गांव मेरा, जूनागढ़ है गांव मेरा। श्री कृष्ण के रंग में रंग लिया, अपना गाती ये बुढ़िया, संत महात्मा मंत्र मेरे, जो आए साथ ये बुढ़िया, सच कहना तेरे आगे ना झूठ बात ये बुढ़िया, जल्दी खबर पूछा दे जाके, सुन मेरी चाती ये बुढ़िया, हम थोड़ ठिकाने जा बैठेंगे, थोड़ ठिकाने जा बैठेंगे, जल्दी पहुंचा पैगाम मेरा, गुजरात प्रांत का रहने आड़ा। अरे तू माई उधर गुजारी हो तो खबर कर दे उनके के थारे भाती आगे हैं, हम उनके भाती हैं। भाती? भाती हो तुम उनके? हाँ, हम उनके भाती हैं। उन्हें जाके खबर कर दिए, वे हमें बता जाएंगे कि मारे उठने बैठने का कहाँ इंतजाम कर रखा है। अच्छा, तब न्यू करो, ये जो सामी गौशाला का मड़ है ना, इसमें अपनी गाड़ी बार दो और यहीं आराम करो। बस मैं घास की गठड़ी गेर तो ही सीधे उनके घर में खबर पहुंचा दूंगी। ठीक है बुढ़िया, तेरा बहुत एहसान होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हरनंदी, ए हरनंदी। हाँ अम्मा जी, के बात है? बात तो हरनंदी बहुत बड़ी है, पर तू मेरी एक बात सुन ले। हरनंदी तेरा भाती आगे, मोढ़े सिरसागढ़ में,
हर नंदी तजा के बुढ़िया ने जिक्र सुनाया मेले वसुर में तेरा बाप यहाँ भात वरण ने आया टूटी गाड़ी बैल मरे से टूटी गाड़ी बैल मरे से संग में मोड लाया इज्जत और मरी यादा खोदी नामन मयूर माया के सोरण ओ के सोरण बरसावे गाई सा बोला घनी अकड़ में गाम ते बाहर रोक दिए दो साला के मड़ में से तो गाम ते बाहर रोक दिए दो साला के जुलम कराया है आ गया हालत बोदी में सुल्फा गंजा पिए पड़े हैं गात नहीं से सोदी में जो कुछ देखा मने आँख ते वो सभी राड़ झोदी में जैसे बाती उनकी खातिर वैसी जगह टोदी में कपड़ा में ते जिक्र सुना बेटी ने इक बाप का जिक्र सुना बेटी ने हे ईश्वर मारी गैल्या तने ठीक नहीं इंसान करा मैं तो ब्याद डाडे घर में क्यों ही ना मेरा बाप करा बता दिए मेरी सामी आके कौन सा हमने पाप करा जिक्रा सुन के अम्मा जी हाथ जुड़वा लो पर तुम यो बात किसी और तना बताइयो मैं तो ना बतान की बेटी पर यो तो सारे में आपो ही पता चल जागी जब वे कुछ ले ही ना रहे और उनकी तो हालत भी भिकमंगे जैसी है मैं न्यू ही तो भागी आई हूँ तने बतावन बस अम्मा जी उन्हें तो मैं अभी भगा दूंगी पता तो जब पटेगा सारे में जब वे यहाँ रहेंगे मैं अभी जा रही हूँ हरनंदी बेटी हरनंदी आइए मेरी माया सब ठीक ठाक तो हैं हाँ अब तक तो सब ठीक ठाक हैं पर बेईमान मेरी तो इज्जत सारी माटी में मिला दी तुझे शर्म नहीं आई जब तेरा ब्योंद नहीं था आन का तो तुझे आना नहीं चाहिए था बेईमान लिकड़ जा चला जा सिरसागढ़ से मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हरनंदी बेटी हरनंदी ऐसा जुलम मत ना करे
दिखे गरीब अमीर तो दिलों के हों बेटी, मैं तेरे यहाँ टाइम पे आ तो गया। हाँ टाइम पे आ गया, आके तो तन्ने बड़े हीरे मोती लुटा दिए ना। चल गौशाला से बाहर निकल जा, यहाँ मुझे तेरी शक्ल दिखाई ना दे जा। ए हरनंदीले हाथ रोक मेरी बेटी, जुल्म कमावे ना। फिर सागड़ ते चाल्या जह मने अपनी शान दिखावे ना। ए हरनंदीले हाथ रोक मेरी बेटी, जुल्म कमावे ना। जा मर्यादा टूट लाडली है, जा मर्यादा टूट लाडली है, मेरे हाथ लगाने से कौन से ताज बांध दिए आंखें, लाज गई तेरे आने से। ये संत महात्मा मेरे संग यारे, मेरी बेटी डरो उलाने से। गौशाला से बाहर निकलना काम चले समझा, अपने आपा मान घटाना, देखे अपने आपा मान घटाना है, कोई भी नर चावे ना। सिर सागर से चल जमने अपनी शान दिखावे ना। ए हरनंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी, जुल्म कमावे ना। सिर सागर से चल जमने अपनी शान दिखा, के बेरा था इज्जत ने तू है, के बेरा था इज्जत ने तू है, इस तरिया से खोएगी। न्यू ना सोची बिना ब्योति उल ती बदनामी होवेगी। मैं तो न्यू आ गया के मेरी लाडली हे बैठ बाट न जोएगी। सासू नण ने जिठानी जल कह मेरे जीवा से न रो, आखिर मैं तेरा बाप सू बेटी, आखिर मैं तेरा बाप सू बेटी, तू कोड़े मार भगावे ना। सिर सागर से चल जमने अपनी शान दिखावे ना। ए हरनंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी, जुल्म कमावे ना। सिर सागर से चल जमने अपनी शान दिखा, बोले नरसी जी के बेटी एक दो कोरिडे
ये तो तन्ने मार दिए, इनका कोई भी तो दुख नहीं है। आखिर तू मेरी संतान है, बाड़ा गर्ग कोई गलती कर देता है तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसे माफ कर दे। क्या कहने लगे भला? हे तेरे गुनाह में, तेरे गुनाह में माफ करूं हे, तू बेटी मैं बाप तेरा। बड़ी बनाई बात बिगाड़ी, खत्म हुआ तपता तेरा। दिके धीरज धारे सबर कर मन में, हे भला करे हरी आप तेरा। छोटे में मत होगी माड़ी, दिख रहा ढंग सा तेरा। दिके छोटे में मत होगी माड़ी, दिख रहा ढंग सा तेरा। बस रात काट ले गौशाला में, हम रात काट ले गौशाला में, तुझे तड़के बेटी पावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जमन अपनी शान दिखावे ना। ए हर नंदी ले हाथ रोग मेरी, बेटी दुल्हन कमावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जमन अपनी शान दिखावे ना। तू सिरसा गढ़ से चाल्या जमन अपनी शान दिखावे ना। यू कहने लगे अगली बात में कि बेटी मैं अपने आप नहीं आया हूँ, तेरे ससुर मनसा मल ने चिट्ठी भेजी थी मेरे यहाँ, इसलिए आ गया। क्या कहने लगे भला? हे तेरे ससुर मनसा मल ने मैं तो चिट्ठी गेर बुलाया से। भात भरण का ब्योत नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से। दिखे मदना अब बिगाड़े मेरी है, तू टूटे की माया से। बेईमानी अड़े ते चाले हजार तने आके मन घटाया से। बेईमानी अड़े ते चाले हजार तने आके मन घटाया से। हे दुनिया करे बुराई तेरी, दुनिया करे बुराई तेरी, हे सीत की रीत घटावे ना। सिरसा गढ़ ते चाले हजार अपनी शान दिखावे ना। ए हर नंदी ले हाथ रोक मेरी, बेटी दुल्हन कमावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या हजा मने अपनी शान दिखावे ना। तू सिरसा गढ़ से चाल्या हजा मने अपनी शान दिखावे ना। धीरज धारे सबर कर मन में, धीरज धारे सबर कर मन में, क्यों खोटी बात विचार रही। अगड़ पड़ोसन तायस पीतस मेरे कस्तस्ताने मार रही। रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान क्यों कर मन में अहंकार रही। सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास गणी किलकार रही। मंगल मदद करे परमेश्वर, मंगल मदद करे परमेश्वर, है और कोई लाज बचावे ना। सिरसा गढ़ से चाले हजा मने अपनी शान दिखावे ना। ए हर नंदी ले हाथ रोक मेरी, बेटी दुल्हन कमावे ना। सिरसा गढ़ से चाले हजा